अरे कहना क्या चाहते हो? Hey guys, welcome फिर से आप सभी को एक और नए एपिसोड में। जैसे कि guys मैंने आपको बताया था जो मैंने सीरीज जो एंड किया था मैं वहाँ से शुरू किया हूँ। तो सीरीज अभी आप देख सकते थे जो मेरा जीजू है वो अभी मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जैसे कि बताया मैं अपना जो बेटा आपको मिलाऊंगा, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे मालिश चल रहा है अभी इसका, जो अभी यहाँ पे दीदी है हम लोग का बड़ी दीदी और भैया विशाल और निशा दीदी, निशा दी, निशा दी, भैया। तो अभी सब लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यह हमारे है मामा, मामा है हमारे विशाल मामा, देख सकते हैं कैसा हंस रहा है, साकाल मामा हम लोग का। अभी जो मेडिकल में जो अपना सामान चाहिए अभी समेट के मुझे लेके जाना पड़ेगा, तो आज मैं रहूँगा मेडिकल में क्योंकि कल मेरा वीक ऑफ है, वीक ऑफ भी है प्लस अभी मेरे को जीजू को भी दिखना है। तो अभी यहाँ पे जैसा कि मेरा बाड़ी देखिए तो गाइस देख सकते थे अभी यहाँ पे महेंद्र बाहुबली जो कटप्पा का सीन था वो यहाँ से फिर से रिक्रिएट हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पे मामा है कटप्पा, कटप्पा जैसे कटिंग में रखा था तो उसी वजह से ये फिर से एक बार सीन रिक्रिएट हुआ है गाइस। तो कोई बात नहीं है, थैंक यू विशाल दा, अभी जाएंगे मेडिकल, ठीक है। तो अभी हम लोग जाएंगे मेडिकल, अभी वहाँ पे अपना जो जीजू भी उसको भी देखना है, अभी हम लोग यहाँ पे अपना बच्चा का मालिश वालिश सब तो हो गया है, अभी समेटना है सामान फिर निकलना है। चार दिन उसको बिता ली, हाँ तेरे बिता ली, पानी तो नॉर्मल पानी, अरे इसमें चार्ज डाल दिया, सुन ये चेन बिगड़ी तो गोची बार पकड़ जाना, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिकल की ओर, अभी जाएंगे थोड़ा सा अपना जो बाइक है उसको रखेंगे, उसके बाद से फिर निकलेंगे अपना भैया के साथ। अभी मैं घर आ पहुँचाऊँ, अभी मुझे जल्दी जल्दी करके अपना जो भी ये टिफिन विफिन बैग वगैरह अपना यहाँ पे छोड़ के और अपना टेंगू को खाना दे के अभी मुझे निकलना पड़ेगा मेडिकल की ओर। क्या करें गाइस, अभी करना तो पड़ेगा, इस टाइम में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। मतलब इस टाइम के लिए तो फैमिली है, अगर इसी टाइम के लिए अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे। तो जब उन्होंने कदम बढ़ाए थे तो हमने भी दो कदम बढ़ा दिए, तो करना तो पड़ेगा। अभी टेंगो का हालत देखेंगे क्या कर रहा है, अभी टेंगो क्या कर रहा है हम लोग का यहाँ पे, टेंगो 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 टेंगो। तो देख सकते हैं गाइस टेंगो अभी कहाँ पे चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, देखिए यहाँ पे चला गया इतना ऊपर में, इधर आ जा यहीं जा छिटो, यहीं जा, ला 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 ला, आ जा ला 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 ला, यहीं जा यहीं जा। यहाँ पे आ चुका है टेंगो हमारा, देख सकते हैं कितना बदमाश है, कितना ज़्यादा बदमाश है। अभी मुझे मेडिकल जाना है और मुझे यहाँ पे लेट कर दिया, अभी चलिए मेडिकल की ओर, वहाँ पे मिलेंगे। अभी अंदर जा रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग मेडिकल में पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जीजू लेटा हुआ है, अभी थोड़ा सा बैठेंगे क्या करेंगे, कल छुट्टी देगा शायद, अभी पता नहीं है क्या करेंगे, तो थोड़ा सा अभी देखेंगे जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और यहाँ पर हम लोग का भैया, भैया भी बेचारा खाना वाना खाया कि नहीं खाया, भैया खाना खाया, हाँ देखिए भैया भी खाना वाना नहीं खाया है मेरे को छोड़ने के लिए मेडिकल में आए, लेकिन अभी हमारा जो जीजू है हम बोल रहे हैं कि अभी घर जाओ, घर जाके रेस्ट करो, अभी ठीक हूँ ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करें, बैठेंगे थोड़ा सा फिर जाएंगे घर, अभी चल रहा बस बैठेंगे, जो बोल रहे हैं अभी हम लोग को घर जाने के लिए बोल रहे हैं कि मेरा कंडीशन ठीक है,
लेकिन हम लोग ने बताया कि हमें यहाँ पे रहना है, अगर रात में कुछ हो जाए, अगर डॉक्टर बुलाए, कुछ भी हो जाए तो हमें यहाँ पे एक आदमी को तो रहना है। तो अभी रहेंगे दोस्तों, तो दिखाते रहूँगा मैं आपको बीच बीच में अपडेट्स, तो बने रहे मेरे साथ। सुबह का 6 बज रहा है, 6 बजने में कम से कम 20 मिनट बाकी है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं अपडेट्स देते रहूँगा बीच बीच में। तो अभी जैसे कि मैं आज रात भर नहीं सो पाया, क्योंकि वहाँ पे बेड भी नहीं है, बेड भी छोटा सा बेड है, इतना सारा मरीज लोग, इतना पेशेंट्स है वहाँ पे, मैं कैसे करके सोऊँ। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर में आया था, तो मुझे यहाँ पे दोस्त मिला था एक, जो कि हम लोग का गांव से बिलोंग करता है। तो उसका भी बेचारा बीवी बहुत ज़्यादा मतलब पथरी हो गया है पेट में, तो बहुत से ऐसे दर्द के मारे मतलब चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो मैंने उसको ज़रा सा हेल्प कर दिया अंदर लेके जाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल अभी के लिए ना मैं जा रहा हूँ अंदर में, क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर ने एक लिस्ट दिया, एक पर्ची दिया है, जिसमें एक ब्लड सैंपल दिया है, जो कि मुझे ब्लड बैंक में जाके जमा करना है। और उसके बाद से और फिर आपका अल्ट्रासाउंड का जो पर्ची है वो दिया है, वो 10 बजे जाके करना पड़ेगा। और 1 बजे का तकरीबन 1 बजे मुझे फिर से जो MRI किया है उसका रिपोर्ट लाना जाना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं मेरा आज बहुत सारा बिजी शेड्यूल है। वैसे आज मेरा छुट्टी है, लेकिन आज मुझे यहाँ पे सारा दिन काम करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। मैं भाग्यवान हूँ जो कि मुझे अभी ये सब काम करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, अभी आज रेस्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं रात को जाके सो जाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मुझे नींद भी नहीं लग रहा है, नींद एकदम से चला गया मेरा। तो अभी मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए। तो अभी अंदर लेके जाता हूँ, मेरा पेशेंट का हाल कैसे है आप जानिएगा। जैसा कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा जीजू अभी यहाँ पे सो रहे है बेचारा। अभी जीजू को लगा है तो यहाँ पे सो रहे है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीजू, ओ जीजू, जीजू गुड मॉर्निंग। तो सुबह का 6 बज चुका है, देखिए अभी जीजू भी ठीक है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी अभी ठीक ही है हमारा जीजू, जो कि काफ़ी खुश है हम लोग के लिए। तो मैं बाहर में गया था, मेरा दोस्त मिला था, तो उसका बीवी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो मैं थोड़ा देर बाद उसको मिलने के लिए जाऊँगा। उसके बाद से फिर जो मेरा एक दोस्त है, मतलब गाइस मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेडिकल आने से मन ख़राब हो जाता है, एकदम से मन ख़राब। हमारे गांव का थोड़ा सा बगल का एक गांव है, आदिवासी गांव है, जो हमारे एक दोस्त है जो कि करीब है, दिल के करीब, उसका मतलब बीवी का भाई ना गुजर गया अभी थोड़ा देर पहले। तो ये सुनकर ना मतलब हॉस्पिटल आने से मतलब ये सब सुनने में देखने में मिलता ना, तो बहुत ज़्यादा दुख करता है। हम लोग का पेशेंट यहाँ पे खुद से चल के जा रहा है टॉयलेट, यानी कि अभी एकदम पक्का ठीक है, एकदम फिट। तो आपने देख लिए होंगे, तो अभी अपना जो भी है सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, बस एकदम फाइन। अभी अपना जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद से फिर जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे और घर में भी बच्चे को मिलाएंगे। मैं घर आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो भैया है वहाँ पे आ गए, तो अभी मेरे को घर जाने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहा, क्योंकि मेरा ना मैं दवाई लेता हूँ, जो दवाई खाता हूँ, तो दवाई की वजह से मुझे सोना होता है और मैं रात से सो नहीं पाया। और वहाँ पे सो भी तो सोऊँ कैसे, तो अपने वहाँ पे तो दिखना पड़ेगा ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी घर में आया, तो घर में आकर अभी थोड़ा सा अपने बच्चे से मिलूँगा, थोड़ा सा वाइफ से मिलूँगा, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, यानी कि मैं सो जाऊँगा। अभी फिर थोड़ा देर बाद फिर क्या करना है, करना है फिर मेडिकल में जाऊँगा, या फिर देखेंगे क्या होगा। अभी सब जगह मुझे मिला के चलना है, और अभी मैं ना अपना बच्चे से भी ठीक से नहीं मिल पाया हूँ, ना तो मैं अपना वाइफ से ठीक मिल पाया हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे परेशानियाँ है। अभी जैसा कि अगर मैं अपने वाइफ और बच्चे को अगर मैं वहाँ पर रखूँगा ना, तो मुझे बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा, कि मतलब बच्चे को खाना पीना ये वो टाइम टेबल में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा वाइफ खाना बनाना नहीं पाएगा। तो अभी यहाँ पे दीदी लाई, सब समझ के लाई, जो अपना बहन को देखने देखभाल करने के लिए लाए, जो बेटा है उसको मतलब देखने के लिए लाए। तो मुझे भी मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी जाऊँ उनके लिए, वहाँ पर देखूँ करूँ, तो मुझे लगा। लेकिन फिर भी मैंने उतना फ़र्ज शायद नहीं निभा पाया, क्योंकि मेरा ना दवाई खा के मुझे सोना होता है, दवा खा के सोना होता है, क्योंकि मेरा एक कोर्स चल रहा है, जो कि मैं
प्रीवियस हाफ एंड वन ईयर्स मतलब जो आगे मैं बीमार था कुछ सालों तक बीमार रहने की वजह से मेरा कुछ दवाई का मतलब कोर्स चलता है, तो उस कोर्स के वजह से मैं मतलब मुझे क्या करना है, मुझे अच्छी तरीके से नींद लेना होता है। तो दवा तो खा लिया लेकिन सोया नहीं। मैं सोचा था वहाँ पे सो जाऊँगा, लेकिन मैं जैसा वहाँ पे सोया तो मेरा बगल वाले जो बेड था वहाँ पे फिर से एक पेशेंट ला कर रख दिया। तो अभी जो हमारे जीजू जो जहाँ पे जो बेड में थे तो वो बेड छोटा था, तो वो बेड में मैं नहीं सो सका। तो मैं रात भर वहाँ पे इधर उधर घूमता रहा, फिर वहाँ पे सोता रहा, देखता रहा डॉक्टर क्या बोलते हैं, नर्स क्या बोलते हैं। तो अभी जैसा भैया आया, भैया ने बोला थोड़ा सा जाओ घर में रेस्ट करो, तो अभी मैं घर आ गया। अभी मैं घर का अंदर आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सासू माँ है मेरा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेटा, जो मेरा बेटा अभी बहुत खेल कूद रहा है, मेरे से हंस भी रहा है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो हंस रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी क्या कर रहे हैं बदमाश को देखिए, बदमाश को देखिए, यहाँ पे देख बदमाश। हाय, गुड मॉर्निंग हीरो, गुड मॉर्निंग। फिर से सो गया क्या तो अभी मेरा बच्चे से अभी खेलना कूदना हो चुका है, अभी थोड़ा सा बातचीत भी कर लिया अपने बच्चे से और अपने वाइफ से अभी बातचीत करना बाकी है। अभी मैं यहाँ पे वेट करूँगा क्योंकि अभी सो रहा है, अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर बात करके फिर अपना घर जाकर थोड़ा सा मैं सोऊंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत से ऐसे काम है जो कि मुझे करना है। शाम का कम से कम 9:30 बज चुका है, अभी शाम का मतलब रात हो चुका है। तो अभी मैं जब घर गया था, घर जाके थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि जब मैं मेडिकल में रहा ना तो वहाँ पे मैं सो नहीं पाया, तो उसी की वजह से मैं जाके सोया। क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले आया था, अपना जो काम धाम है घर का ये सब सब करके आया मैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बच्चा किससे देख रहे हैं मेरा, और मुझे देख के बात सुन रहे हैं मेरा। यहाँ पे देखिए अभी ये भी मतलब ब्लॉगर ही बनेगा शायद, क्या लगता है आप लोग, कोई कमेंट में जरूर बताना। तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये जीप का है, दिखा रहा है जीप दिखा रहा है, हैं? तो देखिए मेरे को जीप दिखा रहा है। और मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अभी मेरे वाइफ को बहुत दिन बाद अच्छी तरीके से। तो ये सर में क्या लगाया है? ठंडा लगे इसलिए। तो खाना पीना हो गया आपका? थोड़ा देर में आप बच्चे का तो सब ठीक है ना, आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो जब से मेरा वाइफ और मेरा बच्चे यहाँ पे आया ना दीदी का यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन मेरा दीदी का, जो हम लोग का दीदी है, उनका हस्बैंड का थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे भी पता चला। मैं जब ड्यूटी में था तो आपको वो सीरीज़ तो आपने देखे होंगे, ब्लॉग में था, मैं उसको शुरू किया था, उसके सब में बीच में था, फिर मैं आपको दिखा नहीं पाया गाइस। मतलब क्यों नहीं दिखा पाया, क्योंकि मुझे अचानक से वहाँ से दौड़ के आना पड़ा, क्योंकि सुनने में मुझे आया कि उनको मेडिकल लेके जाने वाला कोई नहीं है। बाद में फिर मैं यहाँ पे आया, आने के बाद फिर ना मतलब बहुत सारे मतलब ये लोग थे गाँव का, तो इधर उधर सब मिला के गए थे, तो अच्छा लगा ये सब देख के। तो मैंने कहा कि आज एक दिन रखते हैं, तो रखेंगे तो अगर कुछ भी अंदर का प्रॉब्लम है तो वो समझ में आएगा कि आखिर क्या हुआ है। तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, जो हुआ मतलब बहुत ख़तरनाक वाला हुआ था। तो अभी यहाँ पे देखिए मेरा बच्चा मेरा बातें सुन रहा है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूँ। देखिए जब मैं बातें कर रहा था ना, यहाँ पे सुन रहा है, देखिए किस तरीके से सुन रहा है मेरा बात एकदम से। क्या हुआ, पूरा बातें सुन रहे हैं आप? हाँ, हेलो बाबू, क्या हुआ, क्या खाया? आई होप भगवान हमारे साथ है। क्या लगता है आपको, भगवान हमारे साथ है ना? हाँ, भगवान तो हमारे साथ ही है हमेशा। अभी यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्को गाना बजा रहा है गाइस। मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब ये क्या डिस्को गाना क्यों बजा रहा है? डिस्को गाना क्यों बजा रहा है?
हाँ बाबू खाली गीत को गाना बजा रहे और चुपचाप से बैठा हुआ है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्लॉग को ऑन कर रहा हूँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। कल आपको मिलूँगा फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर हाँ, अगर आपको अच्छा लगे ये ब्लॉग, अगर हमारे जो सीरीज है पिछले जो एपिसोड से, देखिए मेरा, अगर आप ये पहली बार भी देख रहे हैं तो मेरा कहानी वाइज मेरा जो एक है वो सीरीज है, फर्स्ट से शुरू किया था अभी अंत तक, मतलब और भी जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर एपिसोड डालूंगा आपको किस तरीके से मिलेगा, तो आपका उसको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो गाइस कीप सब्सक्राइब।